गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास थ्री हिंदी सेकंड चैप्टर की पढ़ाई शुरू करते हैं, जिसमें पेड़ की कहानी के बारे में बताया जाएगा। वृक्ष हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा, समझिएगा और इसे सीख लीजिएगा। मार्च का महीना था। एक सुबह रवि अपने घर के सामने वाले बाग में टहलने के लिए गया। उस दिन मौसम बहुत ही सुहावना था। हल्की हल्की हवा चलने से पेड़ पौधे झूम रहे थे। ऐसा सुंदर दृश्य देखकर रवि सहसा ही बोल पड़ा, वाह, पेड़ है धरती की शान, इनसे जीवन और जहान। रवि की बातें आसपास के पेड़ सुन रहे थे। एक पेड़ बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने हमारी उपयोगिता समझी। यहाँ बहुत से बच्चे रोज घूमने और खेलने आते हैं, परंतु आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं कही। तुम अच्छे बच्चे लगते हो। अगर तुम्हें जल्दी न हो तो क्या तुम मेरी एक कहानी सुनोगे? कहानी का नाम सुनते ही रवि बहुत खुश हुआ। वह बोला, हाँ हाँ, आप कहानी सुना सकते हैं, लेकिन यह कहानी किसकी है? तब पेड़ ने कहा, मैं तुम्हें। रवि खुशी खुशी से कहानी सुनने को तैयार हो गया। सहमति पाकर पेड़ ने कहानी सुनानी शुरू कर दी। आज हम तुम्हें सुंदर दिख रहे हैं, तुम हमारी सुंदरता पर मुग्ध हो रहे हो। जानते हो, हमें ऐसा रूप प्राप्त करने में बहुत समय लगा है। प्रारंभ में तो हम केवल नन्हे बीज थे फिर इस बाग के माली ने हमें मिट्टी में गाड़ दिया। वहां अंधकार में पड़े पड़े हम उग गए थे। फिर एक हमारे ऊपर वर्षा का पानी गिरा। पानी पाकर हमारी नींद टूट गई और प्यास भी बुझ गई। पानी का स्पर्श पाकर हम कुछ शीतल हुए और छोटे छोटे अंकुरों के रूप में बाहर झांकने लगे। जब हम भूमि के अंदर थे तब बाहर के दृश्यों को देखने की हमारी बहुत इच्छा थी। अब वह इच्छा पूरी होने लगी थी। धीरे धीरे हम अंकुरों से पौधे बने। धूप, वर्षा, सर्दी झेलते हुए हमारे तन बढ़ते रहे और आज हम विशालकाय पेड़ बन चुके हैं। हम सभी अपनी छाया से तुम्हें हमेशा सुख प्रदान करते रहते हैं। हम तुम्हारे द्वारा छोड़ी गई अशुद्ध वायु को ग्रहण कर तुम्हें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। हम इतना महत्वपूर्ण काम करते हैं, लेकिन लोग पैसों के लालच में हमें कटवा देते हैं। वे यह नहीं जानते कि ऐसा करके कुछ रुपये तो जरूर कमाए जा सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य की जो हानि होगी उसकी भरपाई संसार के सारे धन से भी नहीं हो पाएगी। लोगों की सेवा करना हमारा परम उद्देश्य है। कभी कभी तो लोगों की सेवा करने में हम अपने तन को भी कटवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि हमारी मृत्यु के बाद भी हमारे शरीर तुम सबके काम आते हैं। हम सब तुमसे प्रार्थना करते हैं कि तुम अपने आसपास रहने वाले लोगों और अपने मित्रों को समझाओ कि हमारी संख्या कभी कम न होने दें, क्योंकि अगर हम ही नहीं रहेंगे तो इस संसार में कुछ भी नहीं रहेगा। लोग शुद्ध भोजन, जल और वायु के लिए भी तरस जाएंगे। इन सभी समस्याओं का समाधान यही है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाओ, उनकी देखभाल करो और हर प्रकार का लाभ उठाओ।
इतना कहकर पेड़ चुप हो गया। रवि ने प्रतिज्ञा की, मैं हर रविवार एक पौधा लगाऊंगा और नियम पूर्वक सबकी देखभाल करूंगा। तो प्यारे बच्चों, अगर तुम भी रवि की तरह शुद्ध वातावरण में, साफ वातावरण में रहना चाहते हो, तो जब भी तुम्हें समय मिले अपने पास के किसी बाग में, बागीचे में जाओ और पौधे लगाओ। यानी जहां कहीं भी आपको वैसा जमीन नजर आए जो खाली हो, जिसका दूसरा कोई यूज ना हो, प्रयोग ना हो, उस जगह पर आप जो है से पौधे लगा सकते हैं। पौधे लगाने व उनकी देखभाल करने में बाग का माली तुम्हारी सहायता अवश्य करेगा, जरूर करेगा। अब आप लोग यहाँ पर जो शब्दार्थ दिया गया है उसको, जिनके पास बुक अवेलेबल है वे बच्चे बुक से कॉपी में उतारेंगे। उतारने के बाद इसको साफ राइटिंग में लिखकर याद करेंगे। और जिनके पास बुक नहीं है वे बच्चे इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पर जो शब्दार्थ आपको दिख रहा है उसको कॉपी में लिख के याद करेंगे। उसके बाद सेकंड होमवर्क है मौखिक प्रश्न। आज आप लोग इस मौखिक प्रश्न को बनाइएगा। ये इसमें भी उसी तरह से करना है कि जिनके पास बुक है वे बच्चे बुक से कॉपी में क्वेश्चन को लिखकर बनाएंगे, और जिनके पास बुक नहीं है वे बच्चे इस वीडियो को पॉज करके रोक के और पूरा क्वेश्चन कॉपी में लिखकर, नोटबुक में लिखकर उसको बनाएंगे। क मौखिक प्रश्न तीनों बनाना है। ख यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, 1, 2, 3, 4। और उसके बाद ग में कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए, उसको भी ठीक उसी तरह से जैसा मैंने पहले बोला है उसको बनाइएगा। और यहाँ तक आप लोग को क ख ग और शब्दार्थ जो से फर्स्ट इसके पहले वाले पेज में था उसको भी बना लेना है। ये वाला आप लोग फिलहाल छोड़ दीजिएगा क्योंकि आप लोग के पास बुक नहीं है। उसके बाद रिक्त स्थान भरिए, इसको यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन दिया गया है बाग पेड़ पौधा शुद्ध। और इसको में पहला में जैसे है कि रवि को कौन कहानी सुना रहा था, तो आप लोग आराम से कह सकते हैं कि रवि को पेड़ कहानी सुना रहा था, तो यहाँ पर हम लोग पेड़ भर देंगे। उसी तरह से ये चारों बनाना है। और उसके बाद बस आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे। और आज जो है से आप लोग को पढ़ाई के बाद जब वीडियो देख लीजिएगा उसके बाद पूरा होमवर्क एक साफ नोटबुक में बनाकर ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा और पिक्चर थोड़ा बढ़िया सीधा से लीजिएगा। धन्यवाद।